सबसे तेज न्यूज की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की दिल्ली मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। 6 फीट लंबी हाइट और एथलेटिक बॉडी वाला ये आईपीएस जब कभी घोड़े पर बैठकर या साइकिल पर पेट्रोलिंग करते निकलता है तो सुर्खियां बन जाती है। ये ऑफिसर अक्सर ही अपने ऐसे एक्शन की वजह से चर्चा में रहता है। कानपुर ईस्ट, अमेठी और बलरामपुर के बाद अब इस ऑफिसर की तैनाती हुई है उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद मऊ में। जहां हम बात कर रहे हैं 2013 बैच के तेज तरार आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर की। यूपी के बागपत जिले के छपरौली गांव में 10 दिसंबर 1987 को जन्मे 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर ने सबसे तेज न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनकी क्लास 5 तक की पढ़ाई गांव में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई देहरादून के आर्मी स्कूल में हुई। अनुराग को बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफी शौक है। स्कूल के टाइम में वे बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते रहे और आगे चल के उन्होंने बास्केटबॉल नेशनल लेवल तक खेला। वहीं अनुराग ने वाराणसी के बीएचयू से फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहे, लेकिन अनुराग के अंदर बचपन से ही पुलिस की वर्दी का क्रेज था। वो हमेशा से खुद को वर्दी पहने देखना चाहते थे। अनुराग ने बताया कि वो 8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। किसी काम से अगर पढ़ाई छूट जाती थी तो उसे अगले दिन ज्यादा समय देते थे। उनका कहना है कि सिविल सर्विसेज के दिनों में हमारे 6-7 दोस्त थे जिनसे काफी सपोर्ट मिलता था। सिविल सर्विसेज के लिए 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था, जिससे एग्जाम के दौरान काफी मजबूती मिली। इस पढ़ाई में एक चीज बहुत आवश्यक है, वो है आत्मविश्वास। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही 2012 में अनुराग का सिलेक्शन आरबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर हो गया। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। कानपुर स्थित आरबीआई ब्रांच में अनुराग ने 5 महीने काम किया, लेकिन वर्दी पहनने की ललक में 2012 में अनुराग ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्हें सफलता मिली। 2013 में उनका रिजल्ट आया, उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी। 2014 में वे आईपीएस की 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चले गए। 2015 में अनुराग को ट्रेनी के तौर पर बतौर पोस्टिंग गाजियाबाद में मिली। यहां 5 महीने गुजारने के बाद 2016 में उनकी पोस्टिंग वाराणसी में हो गई। यहां उन्होंने 16 महीने बतौर सीओ गुजारे। फिर 2017 में उन्हें उसी शहर में बतौर एसपी पोस्टिंग मिली, जहां उन्होंने कभी बैंक मैनेजर के तौर पर काम किया था। एसपी कानपुर ईस्ट का कार्यभार संभालते ही अनुराग की वर्किंग स्टाइल लोगों को काफी पसंद आने लगा। सरकारी गाड़ी छोड़ कभी घोड़े पर सवार होकर तो कभी रात के समय साइकिल से ही पेट्रोलिंग पर निकल जाना। पुलिस चौकियों पर औचक निरीक्षण की वजह से अनुराग की शहर में चर्चाएं होती रहती। इस पर अनुराग ने बताया कि अचानक चेकिंग के दौरान निकलने से काफी चीजें पता चलती है, जमीनी हकीकत को जानने का मौका मिलता है। अनुराग ने एक वाक्या याद करते हुए बताया कि जब मैं गाजियाबाद में अंडर ट्रेनिंग था, उस वक्त मेरे पास एक मजदूर आया जिसके 700 रुपए किसी ने रख लिए थे। मैंने उसके रुपए वापस दिलवाए तो वो मुझे काफी दिनों तक धन्यवाद बोलने आता रहा। उस दिन एहसास हुआ कि उस व्यक्ति के 700 रुपए किसी के 700 करोड़ से ज्यादा अहमियत रखते हैं। मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं। इस आईपीएस ने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक बार बिना बताए माँ के पर्स से 50 का नोट निकाल कर टॉफी खाने के लिए चला गया। उस वक्त ये भी पता चला था कि ये नोट 50 का नहीं 10 का है। फिर ये दुकानदार ने माँ को बता दी। माँ ने इस बात पर थप्पड़ भी मारे। माँ ने कहा, किसी का सामान लेने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए। उस दिन एक बात समझ में आई कि गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा, सही काम करोगे तो शाबाशी। उनकी कही हुई बात मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम बात कर रहे थे तेज तर्रार
आईपीएस अनुराग आर की, जो इस वक्त मऊ एसपी के लिए बतौर सरकार से भेजे गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।